दवाई तैयार है। सही बातों से आपको मोटिवेट करने के लिए जब आप गड्ढे में गिरते हो तो गड्ढे से बाहर कैसे निकलते हैं? अशोक, ओ अशोक भाई किधर हो? मुझे नहीं पता कि मैं आज किस बारे में बोलने जा रहा हूँ। एक चीज मुझे पता है इस वीडियो के द्वारा, आज की डोज ये दवाई दी जाएगी आप सबको, इस दवाई से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। दवाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है? इसी प्रकार जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, जब हम कुछ सीख रहे हैं, हमको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है कि कई बार हम लोग टूट के बिखर जाते हैं, कई बार हम टूट के गिरने लगते हैं, उस वक्त हमें चाहिए होती है डोज। लेकिन मुझे वाकई में आज कुछ नहीं पता कि मैं बात किस बारे में करूँगा। आई डोंट नो किस बारे में बात करी जाए। कभी कभी आपको पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हो। आपका इंटेंशन होता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो। एक बात हाँ, मैं जो बताना चाहता हूँ सबको वो ये है कि मेरे जो ये चैनल है, इस चैनल पे आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, क्योंकि मैं खुद फोटोग्राफर हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं कोई नहीं जानता है। वो चीज़ें सिर्फ आप तभी जान पाते हो जब आप वो एक्चुअली करते हो। और मैंने एक्चुअली में ज़ीरो से स्टार्ट करा है। बहुत सारी अंदर की बातें ऐसी हैं जो सिर्फ करने से आई हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और वही चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ। आप अच्छे फोटोग्राफर दो चीज़ों से बन सकते हो। एक तो टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है तो टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ होती है आपको कोई पुश करने वाला चाहिए, आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, आपको कोई बताने वाला चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। कई बार आपको पता नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, बहुत सारी चीज़ों में आप जाके फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और ऐसा हो जाता है दिशाहीन हो जाते हैं। उस जगह पर ज़रूरत आती है मुझ जैसे इंसान की, जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको बता सकता है, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से गुजरा हूँ। इसीलिए मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने खुद सही हैं, जिनको मैंने खुद देखा है और जिनके अंदर गिर के बाहर निकला हूँ। तो इस चैनल में मोटे मोटे तौर पर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का, आपको पुश करने वाला भाई, आपको धक्का देने वाला भाई, आपको मोटिवेट करने वाला भाई, ये है अशोक वर्मा। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनके पास शायद पैसे ना हों, जिनके पास कोई इस तरह का इंसान ना हो जिनके आसपास जो उनको गाइड कर सके। तो YouTube मुझे एक ऐसा ज़रिया मिला जहाँ पर आई कैन कम एंड शेयर वॉट एवर आई हैव लर्न एंड हेल्प पीपल, not just by doing technical stuff but by guiding you in the right direction, आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, सही बातों से आपको मोटिवेट करने के लिए और अंदर के कुछ चीज़ें बताने के लिए। तो यही मेरा मकसद है इस चैनल का। लो, मैं कह रहा था कि मेरे पास कोई बात करने की कोई टॉपिक नहीं है और इतनी सारी बातें कर दी। यही होता है अक्सर, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करते हो, मेरे लिए तो आप लोग दोस्त हो, ठीक है, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो तो कुछ ना कुछ तो निकल के आता है, कुछ ना कुछ आप शेयर करते हो, कुछ ना कुछ आप दे के जाते हो। हाँ, ये अच्छा टॉपिक है कि जब आप गड्ढे में गिरते हो तो गड्ढे से बाहर कैसे निकलते हैं। तो आज की डोज यही है, सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो, सिर्फ किताबें पढ़कर आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। आपने किताब में तो पढ़ लिया कि भाई ISO बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने किताब में तो पढ़ लिया कि अपर्चर क्या करता है, आपने किताब में पढ़ लिया कि शटर से क्या होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली करने जाते हो तो अजीब सी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आपकी किताब में जो बताया हुआ है, जो आपने सीखा है, वो मोटे मोटे तौर पर बताया जाता है, पर वहाँ पर कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते कि अगर आप इस गली में खड़े हो, लाइट पीछे से आ रही है, उधर से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, इधर अंधेरा है, उधर से चिड़िया उड़ रही है,
अब क्या करूं भाई, अब क्या करूं, अब तो मैं फंस गया. एंड देयर यू हैव टू टेक डिसीजंस. तो वहां पर जब आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, वहां पर जाकर जब आप फंसते हो, वो कैसे आता है? वो करने से आता है. तो करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू प्रैक्टिकली डू. और जब आप करते हो तो आप फंसते हो, जब फंसते हो तो आप सीखते हो, अगर आप सीखना चाहते हो. क्योंकि जब आप फंसोगे तो आप उसका रास्ता भी ढूंढने की कोशिश करोगे. जब आप एक नाली के अंदर गिर गए, जब आप एक गड्ढे के अंदर गिर गए, तो आप फिर हाथ पैर मारते हो, फिर आप देखते हो कि ये यार मैं इस पत्थर को पकड़ के बाहर आ सकता हूँ, या मैं आवाज़ लगाऊँ किसी को तो मैं हेल्प के लिए मांग सकता हूँ, किसी को बुला सकता हूँ. तो जब आप गड्ढे में गिरोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि गड्ढे से बाहर कैसे निकलना है. और अगली बार जब आप गड्ढे के पास जाओगे, या तो आप गड्ढे में गिरोगे ही नहीं, पर या गिर भी गए तो आपको पता होगा कि उस गड्ढे से बाहर कैसे निकलना है. तो हाँ, आज का जो हमारा डोज है, आज का जो क्विक फिक्स है, वो यही है कि आप करो, गड्ढे में गिरो और गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो. और अगर रास्ता नहीं मिलता है तो वहाँ से आवाज़ लगाना, अशोक, ओ अशोक भाई किधर हो, आओ. तो अशोक वर्मा वहाँ आएगा, आपको हेल्प करेगा. तो इसलिए प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इफ़ यू गेट स्टक समवेयर. अगर आप गड्ढे में गिर चुके हो, आपको कोई नहीं मिल रहा आपका हाथ पकड़ने के लिए, तो ये बंदा बैठा हुआ है आपके लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको उस जगह तक ले जाने के लिए जहाँ आप पहुँचना चाहते हो. तो इतना वीडियो मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें से मेरे को लगता नहीं है कि कुछ काटा जा सकता है. ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही डलेगा. सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ. आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये मेरा चैनल किस बारे में है. हेयर यू विल गेट स्टफ़ लाइक दिस ओनली, जहाँ पर मैं आम भाषा में आम इंसान की तरह आपसे बात करूँगा, आपको आके सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जितना मुझे पता है. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर से अगले एक और वीडियो में, जहाँ पर आपको अशोक देगा अपनी अंदर की सारी बातें. तो आज का क्विक फिक्स यहीं समाप्त होता है. मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ. आओगे ना अगली बार? तो यही है आज की कहानी. और दिल्ली में रहती थी मेरी नानी, अभी तो है नहीं वो, पर नानियाँ बहुत सिखाती हैं, नानियाँ बहुत प्यार देती हैं आपको और आशीर्वाद देती हैं. और मेरा भी आशीर्वाद आप सबके साथ.